हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारी अगली क्लास है वो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित अपने आगे के टॉपिक पे है, उसका अगला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें तो भारत में वनावरण की हम बात करते हैं। भारत में वनावरण जो है, तो भारत में जो वन है वो 23.28% के लगभग है। ठीक है, भारत में जो वनों का प्रतिशत है वो कितना है, 23.28%। वैसे कि तो लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो भारत में वनों का प्रतिशत है वो 23.28% है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की अगर हम बात करें तो जो वास्तविक वनावरण है भारत में वो 21.67% है और सघन वनों का प्रतिशत है 12.41%। वहीं पर जो विवृत वन है उनका प्रतिशत है 9.26%। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ डेटा दे रखे हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसके बाद आगे हम इसमें देखें कि सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और न्यूनतम वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और सर्वाधिक और न्यूनतम वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम इसमें देखते हैं कि वन क्षेत्र के आधार पर राज्य स्तरीय वितरण, वन क्षेत्र के आधार पर राज्य स्तरीय वितरण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लेते हैं कि 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि देश के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर जो वन क्षेत्र है वो 10% से भी कम है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि 10-20% वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, जहां पर 10-20% के बीच में वन क्षेत्र है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 20-30% वन क्षेत्र वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। अब उस प्रायद्वीपीय भारत में भी जहाँ पर आपके दादरा नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वो सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में आपको पता है बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, केरल, तमिलनाडु आते हैं। ठीक है, ये सभी आपके राज्य प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं, मतलब भारत के दक्षिण वाले भाग में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस वाले भाग में दादरा नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर जो भाग है वो 20-30% वन क्षेत्र वाले भाग में आता है। इसके बाद हम चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे कि 30% से अधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तरी पूर्वी राज्य आ जाते हैं। जो भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है जहाँ पर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मतलब इनको हम सेवन सिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्य है वो 30% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में आते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि सदाबहार वनों की अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो घने वन हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अच्छी होती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आपके वन क्षेत्र के आधार पर राज्य स्तरीय वितरण पूछा जाता है तो ये चारों पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि वन और जीवन की अगर हम बात करें तो भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले हैं। यह जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वनावरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। मतलब कि हम देखेंगे कि भारत के 593 जिले हैं,
और इन जिलों में लगभग 188 जनजातीय जिले हैं, ठीक है। तो इतने जिलों में 188 जो जनजातीय जिले हैं, यह सभी जनजातीय जिलों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 33.63%। तो इस 33.63% हिस्से के अंदर लगभग 59.61% वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर भी हमें जनजातियाँ देखने को मिलती है वहाँ पर वनों का जो प्रतिशत है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि वन संरक्षण। अब वन संरक्षण की हम अगर आगे बात करें तो वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है या बचाया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो वन संरक्षण नीति आई वो है 1952। उसके बाद संशोधित उस वन संरक्षण नीति में जो थोड़ा संशोधन किया गया और संशोधित वन संरक्षण नीति आई वो हो गई 1988। तो इस प्रकार से जो नई वन नीति है, इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी और जिससे वन संसाधनों का संरक्षण, विकास, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। मतलब कि नई वन नीति के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो क्या है कि सतत पोषणीय जो विकास है वो किया जाए, कि ऐसा विकास किया जाए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ हो सके, वनों का लाभ मिल सके। इसी प्रकार वन संसाधनों का संरक्षण करना, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना और जो भी स्थानीय लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, नई वन नीति के अनुसार। इसके बाद हम वन नीति के उद्देश्यों की बात की जाए कि जो वन नीति है इसके क्या उद्देश्य रहे, किस वजह से वन नीति बनाई गई। भाई कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, तभी उस उद्देश्य के आधार पर उस पॉलिसी को बनाई जाती है। तो वन नीति के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं कि देश में 33% भाग पर वन लगाना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, सामाजिक वानिकी, इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध कराना और वन संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलाना, ये सभी वन नीति के उद्देश्य हैं। मतलब किसी भी वन नीति के उद्देश्य क्या है ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या होती है कि राष्ट्रीय कृषि योजना 1976 से 1979 में सामाजिक वानिकी को तीन भागों में बांटा गया। अब ये तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शहरी वानिकी को। तो शहरी वानिकी क्या होती है कि शहरों के आसपास हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के किनारे, उद्योग और व्यापारिक स्थल पर वृक्ष लगाना। मतलब जो भी कोई शहर है उस शहर के आसपास अगर हरे भरे वृक्ष लगाए गए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए गए, या आसपास कोई उद्योग धंधे हैं, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, व्यापारिक स्थल है, वहाँ पर वृक्ष लगाए गए, तो वो सभी किस में आ जाता है, शहरी वानिकी में आ जाता है। इसी प्रकार से है ग्रामीण वानिकी, तो कृषि और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है ग्रामीण वानिकी में, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। फार्म वानिकी क्या होती है कि किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ लगाते हैं। मतलब जिन पेड़ों का वो क्या कर सके, व्यापार कर सके, जैसे कि कई प्रकार के फल होते हैं, जैसे आम हो गया, केले हो गए, अंगूर हो गए, ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार के फलों का जो व्यापार किया जाता है बड़े स्तर पर, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब पेड़ लगाए जाते हैं तो वो किस में आते हैं, फार्म वानिकी में। तो इस प्रकार से सामाजिक वानिकी मतलब समाज के उद्देश्य के लिए, समाज के लिए किस प्रकार से वृक्षों को लगाया जाता है जिससे कि समाज को उसका फ़ायदा मिल सके, तो उसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी आ जाते हैं। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि वन विभाग किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है, ठीक है, वन विभाग किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। आगे इसमें हमने देखा था कि ग्रामीण वानिकी में दो नाम हमने सुने थे, एक तो कृषि वानिकी और एक समुदाय कृषि वानिकी। अब कृषि वानिकी क्या होती है कि जब वानिकी मतलब वनों को, एक तो वृक्षों को लगाना और एक खेती करना, ये दोनों कार्य अगर एक साथ किए जाते हैं, मतलब वृक्षों को लगाना, वृक्षारोपण करना और साथ साथ खेती भी करना, ये दोनों साथ काम एक साथ होते हैं, तो ये कृषि वानिकी में आता है, जिससे कि खाद्यान्न, चारा, फसलें, ईंधन, इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन हो सके, तो ये सभी किस में आते हैं, कृषि वानिकी में। समुदाय कृषि वानिकी के अंतर्गत क्या होता है कि जब सार्वजनिक भूमि जैसे कि गांव हो गया, चरागाह हो गए, मंदिर हो गए, भूमि सड़कों के दोनों ओर, रेल पट्टी के साथ हो गए, विद्यालयों में पेड़ लगाना, तो ये सभी क्या हो जाता है, समुदाय कृषि वानिकी। मतलब
किसी समुदाय के सहयोग से या किसी सामुदायिक कार्य के लिए, जैसे हम विद्यालय के अंदर पेड़ लगाते हैं, ठीक है, विद्यालय में अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो वो हमारे व्यक्तिगत हित के लिए हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, या हम निजी पर्सनल अपने उपयोग के लिए नहीं लगा रहे हैं, वो किस उपयोग के लिए, समुदाय, मतलब विद्यालय पूरा एक क्या है, परिवार है जिसमें कई बच्चे आते हैं, कई विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, तो एक प्रकार से वो सभी के लिए क्या है, लाभदायक है। तो इस प्रकार से मंदिर भी क्या है, सभी के लिए है, गांव भी सभी के लिए है, चरागाह भी सभी के लिए है, सड़क के दोनों ओर, रेल पट्टी के साथ, ये सब के समुदाय के लिए। तो एक समुदाय के लेते हुए, एक समुदाय को लेते हुए जब हम कृषि वानिकी मतलब पेड़ लगाते हैं तो वो सभी किस में आ जाते हैं, समुदाय कृषि वानिकी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं वन्य जीव प्राणी। वन्य जीव प्राणी की हम बात करें तो समय के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं। समय के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्रों में भी बदलाव आया है और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती जा रही है। जो भी जैव प्रजातियां हैं, जीव जंतु आदि है, वो कैसे होते आ रहे हैं, उनकी कमी होती जा रही है। इसके मुख्य कारण क्या है, इसके मुख्य कारण है कि जैसे औद्योगिक तकनीकी विकास के कारण वनों का शोषण, ठीक है, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए वनों को साफ करना, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटना, तो ये सभी कार्य जो हैं पालतू पशुओं के लिए नई चरागाह की खोज में, वन्य जीवों के आवासों को नष्ट करना, शिकार करना, जंगलों में आग लगाना, ये सभी किस में आ जाते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से जो वन्य जीव है वो नष्ट होते जा रहे हैं। भाई आप देखेंगे कि जंगलों में अगर आग लग जाएगी तो उसमें रहने वाले कई प्रकार के जीव जंतु हैं वो सभी धीरे धीरे मर जाएंगे, वहाँ नहीं रह पाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। शिकार अगर बढ़ता गया, लोग अगर शिकार करते रहे, आखेट करते रहे, जीव जंतु को मारते रहे, तो जीवों की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से पालतू पशुओं के लिए नई चरागाहों की खोज में जो वन्य जीवों के आवास है वो नष्ट कर देते हैं। कई लोग क्या होता है, अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए या अपने पालतू पशुओं को किसी दूसरे क्षेत्र विशेष जंगलों में चराने के लिए ले जाने के लिए वहाँ के जो रहने वाले वन्य जीव हैं उनके घर, उनके आवासों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इससे भी धीरे धीरे वन्य जीवों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी प्रकार से हम देखें कि चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, इन सभी को प्राप्त करने के लिए लोग वनों को काटते हैं, मानवीय बस्ती, घरों को बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, कई प्रकार की जो खान खदानें खोदते हैं या जलाशयों का, तालाबों का निर्माण करते हैं, झीलों का निर्माण करते हैं, इनके लिए भी कई जगह पर वनों को काटा जाता है, उद्योगों का विकास किया जाता है, तकनीकी विकास किया जाता है, इन वजह से जब वनों को काटा जाता है तो इन सभी कारणों की वजह से जीव प्रजातियों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब जीव जंतु दिन प्रतिदिन कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। आगे हम इसमें देखते हैं कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, भाई भारत में वन्य प्राणी, वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जो वन्य प्राणी अधिनियम बनाया गया वो कब था, 1972। आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य प्राणी अधिनियम कब बनाया गया, कब लागू किया गया, तो 1972, और उसी को संशोधित कब किया गया, 1991 में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 और संशोधित वन्य प्राणी अधिनियम 1991। इसके बाद हम इसमें देखते हैं रेड डाटा बुक। अब आपसे पूछा जा सकता है रेड डाटा बुक क्या होती है, भाई रेड डाटा बुक है कि जो वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु जो एक बुक है उसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, देश में 101 नेशनल पार्क या हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और 553 वन्य प्राणी अभ्यारण, ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण भी बोल सकते हैं इसको। तो हमें पता होना चाहिए कि देश में नेशनल पार्क कितने हैं और अभ्यारण कितने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, ठीक है, उद्यान पूछा जाए तो आपको बताना है 101 और अभ्यारण पूछा जाए तो बताना है 553। इसके बाद में हम देखेंगे कि यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किसने, यूनेस्को ने, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बाघ परियोजना, कब शुरू की गई, 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट
हाथी परियोजना 1992 में, यह हमें याद होना चाहिए इनकी सन, बाघ परियोजना 1973 की, हाथी परियोजना 1992 की, और इनके इंग्लिश नाम भी आपको पता होने चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। आगे हम इसमें देखते हैं जीव मंडल नीचे, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। आपके कभी कभी शब्द बायोस्फीयर रिजर्व भी आ सकता है, तो हमें दोनों शब्द पता होने चाहिए कि भारत में 18 जीव मंडल नीचे, या हम बात करें 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है। इनमें से जो 11 जीव मंडल नीचे हैं उनको यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, मतलब 18 जीवमंडल नीचे हैं जिनमें से 11 जीवमंडल नीचे को यूनेस्को द्वारा नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। अब वो कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं, ये आपको एक सारणी दिखाई गई है, सारणी को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको 18 जीव मंडल नीचों की सूची दे रखी है, ठीक है। ये सभी 18 जीव मंडल नीचे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये तो है, जैसे आपका ये स्थिति है नीलगिरी जीव मंडल नीचे की, नंदा देवी कहाँ पर है, आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये सारे, इतने सारे अगर आपको याद नहीं होते तो आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, जैसे नीलगिरी है तो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक आप ध्यान रख लें, नंदा देवी है तो उत्तराखंड आप ध्यान रख लें, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड ध्यान रख लें, नोकरेक है तो मेघालय ध्यान रख लें, मानस है तो असम ध्यान रख लें, सुंदरवन है तो पश्चिम बंगाल ध्यान रख लें, मन्नार की खाड़ी है तो आपका तमिलनाडु और कन्याकुमारी के जो बीच का भाग है वो ध्यान रख लें, श्रीलंका वाला, ठीक है, ग्रेट निकोबार है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ध्यान रख लें, सिमलीपाल है तो उड़ीसा ध्यान रख लें, डिब्रू साइकोवा है असम ध्यान रख लें, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश ध्यान रख लें, पंचमढ़ी है तो आपका मध्य प्रदेश ध्यान रख लें, कंचनजंगा सिक्किम ध्यान रखें, अगस्त्यमलाई केरल ध्यान रखें, अचरकमर अमरकंटक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कच्छ है तो गुजरात, ठंडा रेगिस्तान है आपका तो आप इसको लद्दाख भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर इसमें आपका लिखा हुआ नहीं है तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाला भाग ध्यान रख सकते हैं, शेषचलम है तो इसके अंतर्गत आपका पूर्वी घाट वाला और आंध्र प्रदेश वाला भाग याद रख सकते हैं, पन्ना है तो मध्य प्रदेश याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूरी नहीं सारे के सारे, इतने सारे लाइन से आप ये ध्यान रखिए कि ये जीव मंडल नीचे जो है वो कौन से राज्य में आ रहा है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है अवसदा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जीव मंडल नीचे या कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में आ रहा है, तो इस प्रकार से याद रखना है। अब इसी में हम आगे देखें कि कौन कौन से जीवमंडल नीचे, जो 11 जीवमंडल नीचे वो यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो इसमें आपका एक नीलगिरी आता है, नंदा देवी आता है, नोकरेक आता है, ठीक है, सुंदरवन आता है, मन्नार की खाड़ी आता है, ग्रेट निकोबार आता है, सिमलीपाल आता है, पंचमढ़ी आता है, कंचनजंगा आता है, अगस्त्यमलाई आता है और अचन कमर अमरकंटक आता है। ये जो आपके 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपके किस में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है, ये हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी 18 जीवमंडल सूची कौन सी जिलों में, कौन से जिलों में आ रहे हैं और इनमें से 11 ऐसे कौन कौन से हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक मानचित्र दिखाई जा रहा है, इस मानचित्र को आपको ध्यान से देखना है और इसमें जो मेन बायोस्फीयर रिजर्व दिखाए गए हैं उनकी स्थिति आपको याद रखनी है। जैसे आपसे मानचित्र में पूछा जा सकता है कि नंदा देवी कहाँ पर है, पंचमढ़ी कहाँ पर है, अचन कमर अमरकंटक कहाँ पर है, सिमलीपाल कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, दिहांग दिबांग कहाँ पर है, डिब्रू साइकोवा कहाँ पर है, मानस कहाँ पर है, नोकरेक कहाँ पर है, नीलगिरी कहाँ पर है, अगस्त्यमलाई कहाँ पर है और मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो जगह हैं, ये जो मेन जगह हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप इन सबके राज्य याद कर लोगे तो आपको ये और भी इजी हो जाएगा इनको मानचित्र में दर्शाना। जैसे कि हमें पता है कि नंदा देवी उत्तराखंड में आता है तो हमने उत्तराखंड में उसको लगा दिया, ठीक है, हमें पता है दिहांग दिबांग अरुणाचल में आता है, हमने अरुणाचल में लगा दिया, हमें पता है कंचनजंगा सिक्किम में आता है तो हमने सिक्किम में लगा दिया। तो अगर आपको इन सभी के राज्य के नाम याद है
कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में आता है। तो अगर आपके भारत के मानचित्र में ये दर्शाने को आ जाते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हैं, क्योंकि सभी राज्यों की स्थिति तो आप सबको याद होगी, और नहीं है तो आप सबसे पहले इन सभी राज्यों की स्थिति याद करें कि कहाँ पर उत्तराखंड है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर बिहार है, कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ पर सिक्किम है, कहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए फिर और आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति अच्छे से याद होनी चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो आज हमने अपना अध्ययन किया है वो हमने भारत में वन आवरण को लेते हुए किया है, जिसमें हमने भारत में वन आवरण, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है, वनों को बचाना, वनों का संरक्षण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, समुदाय कृषि वानिकी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है, वन नीति के उद्देश्य। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न बन जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप अवसद वाला क्वेश्चन बने, चाहे आपका वन वर्ड प्रश्न बने, चाहे आपका निबंधात्मक प्रश्न बने, तो आप इसका अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। जल्द ही हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल।